नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। देखिए, आज जो मैं आपको डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, ये सिंगल कलर नीटिंग डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। जेंट्स का बनाना चाहते हो, लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों का अगर आप बनाना चाहते हो, कैप बनाना चाहते हो, सबके ऊपर इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। बनाने में बेहद आसान है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 2 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। बॉर्डर बना लेने के बाद सीधे तरफ से फर्स्ट रो पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा फंदा हमने सीधा बुना। फर्स्ट रो सारे फंदे हमने सीधा सीधा बुनते हुए ही कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो नीताल स्टिचेस, लास्ट का फंदा ये सीधा बुन दिया। सेकेंड रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। सेकेंड रो में हम रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनकर ही कंप्लीट करेंगे। फोर रो का ये डिज़ाइन है। जिन्हें अभी नई नई अभी सीखना शुरू किया है नीटिंग करना, उल्टा सीधा जिनको बनाना आता है, ये सब आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं, या यूँ कह लीजिए विगनर स्पेशल ये आप आज का वीडियो है। देखिए, दो हमने सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। सीधी तरफ से सीधी फर्स्ट रो हमने बुनी है, सेकेंड रोंग साइड से सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट किया है। अब देखिए थर्ड रो क्या करना है। पहला फंदा स्लिप किया, अब ये दो फंदे हमने नेक्स्ट लेने हैं और इन्हें हमने ऐसे बैक लूप से बुनना है। ऐसे बहुत आपने लूज नहीं, टाइट नहीं बुनना है, लूज ही रखना है। अगले फिर दो फंदे हम लेंगे और दो का एक बना देंगे। ऐसे फिर से दो फंदों का एक बनाया। ये थर्ड रो है। थर्ड रो आपने ऐसे ही सारे फंदे बुनने हैं दो का एक बनाते हुए, लेकिन आपने पीछे से बुनना है। ऐसे पीछे से ऐसे निकल लिया और सीधा बुन दिया। नेक्स्ट फिर से लास्ट का फंदा सीधा बुन देंगे। 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए 4थी सिलाई। पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप किया, धागा पीछे ले गए। अब हमने यहाँ से इस वाले लूप को उठा के सीधा बुनना है। अगला फंदा फिर सीधा बुनेंगे। जो हमारे फंदे यहाँ पर कम हुए थे वो हमने ऐसे पूरे कर लेने हैं। अगला फंदा फिर सीधा बुनेंगे। यहाँ से निडल डाल ली, एक फंदा सीधा बुना, अगला फंदा भी सीधा। ये ऐसे ही हमारी जी 4th रो कंप्लीट होगी। ये लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुन देना है। 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने फिर यहाँ पर एक सिलाई सीधी बुननी है, एक उल्टी बुननी है। फिर जैसे अब यहाँ पे 3rd रो बुनी है दो का एक बनाते हुए, और इन्हीं 4 सिलाइयों को आपने आगे आगे रिपीट करते जाना है। तो आपका डिज़ाइन ये बनके कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, आप इसे जरूर से ट्राई करें। ये देखिए, और बहुत जल्दी बनके कंप्लीट होता है। आपने देख ही लिया कितनी जल्दी और इसमें जाली सी बनती है। चाहे तो आप इस डिज़ाइन को मफलर पर भी डाल सकते हो। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।